अपनी औकात दे। औकात देखेगी चाचा। ले भैया ले, तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास मेबी की तरफ से एक साउंड बार आया है, मेबी 4S100, जिसका प्राइस आपको 5000 रुपीज लगता है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई भी साउंड बार परचेज करना है 5000 के अंदर, तो आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 2.2 चैनल सराउंडिंग यहाँ पे मिल जाता है, और इसमें जो साउंड है वो 100 वाट का आपको यहाँ पे आउटपुट देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फुली रिमोटेड कंट्रोल्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साउंड आपको दिख जाता है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आप कोई अदर साउंड परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। बेस्ट आपको जो साउंड मिल जाएगा 5000 के अंदर उसको भी। तो ये रिव्यू वीडियो है मेबी की तरफ से, जो कि मेरे पास प्रोडक्ट आया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसा, मतलब मुझे लगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, तो इसका कैसा साउंड मुझे लगा, कैसा बेस क्वालिटी लगा, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसका कैसा साउंड क्वालिटी सारा चीज़। तो इसके अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, और दरअसल इसमें अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि मैं इसको पिछले कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको जो पहले से ओपन कर दिया था, तभी मेरे पास रिमोट सारा चीज़ ओपनली पहले से मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब आपको अपना रिव्यू बताने वाला हूँ कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके अब जो साउंड है उसको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साउंड बार आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे हुक मिल जाएगा, अगर आप कहीं पे भी इसको लगाना है तो आपको दोनों साइड मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पे सारे पोर्ट मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देखते हैं USB पोर्ट मिल जाता है, HDMI पोर्ट, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो है यहाँ पे वायर मिल जाता है, आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो लाइट से उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसका जो वायर है वो काफ़ी बड़ा है, बट इसका जो मुझे क्वालिटी लगा उतना सही नहीं लगा इस वायर की क्वालिटी, बट ठीक ठाक है, बस 5000 के हिसाब से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। आप यहाँ पे देखते हैं, बगल में आपको यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा डिज़ाइन, ताकि आपको प्रीमियम लगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा सिस्टम मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे आप देखते हैं प्लस, यहाँ पे आपको साउंड इंक्रीज़ करने के लिए, यहाँ पे डिक्रीज़ करने के लिए, और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए, और आपको यहाँ पे पुश करने के लिए सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे सामने मिल जाएगा मेवी का लोगो, और यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाएगा। जब भी आप इसको ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे तो आपको ये जलेगा या मतलब बंद हो जाएगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देख सकते हैं अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, तो अभी ये लाइट धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये लाइट जल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने ऑन कर दिया है। और एक बार आपको साउंड आएगा पावर ऑन ब्लूटूथ मोड, और ये लाइट आपका जो है जल जाएगा, और ये कनेक्टेड है मेरे फ़ोन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, ताकि आपको जो इसका साउंड क्वालिटी वो पता लगे। और रिमोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेवी का लोगो मिल जाएगा, और सारा चीज़ आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको ऑन करने के लिए मोड, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक कॉपीराइट फ्री सॉन्ग चला के आपको यहाँ पर इसका साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, कुछ इस टाइप के यहाँ पे साउंड है। और अगर आपको यहाँ पे ईयरफोन अगर आप लगाएंगे तो आपको और अच्छे से साउंड क्वालिटी यहाँ पे पता लग जाएगा। और मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ इसमें से, तो माइक से मेरी आवाज़ क्वालिटी कैसी, वो सारा चीज़ आपके थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और आप यहाँ पे देखते हैं, अभी मैंने हाफ किया था यहाँ पे साउंड लगभग। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे लगा, जो मैंने अपने जो है रियल आइज सुना, उसमें तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा, कि मतलब इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, और साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे तो सही लगा 5000 के हिसाब से। बस इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ मुझे कमी लगा फीचर्स की, जैसे इसमें मोड का कमी दिया गया, आपको इसमें बेस इंक्रीज़ नहीं कर सकते या डिक्रीज़ कर सकते हैं, बेस बास जो भी रहता है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट वो सब यहाँ पे कम ज़्यादा करने का यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। मैं बहुत देखा हूँ और साउंड बार इसी प्राइस रेंज में, इसमें ये सारा चीज़ दिया रहता है। बट हाँ, ये मेवी मतलब मेड इन इंडिया कंपनी है, तो आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन ब्रांड है,
और ज़्यादातर लोग यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड सपोर्ट करते हैं या मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, तो आप मेवी के ब्रांड को सपोर्ट करिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी जितना आप परचेज़ करेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है तो आप इसको सपोर्ट करिए। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है तो आप कुछ भी परचेज़ कर लीजिए, कैसा भी बनाएं, बट ये लोग क्वालिटी देते हैं, मतलब प्रीमियम क्वालिटी दी है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब है। 5000 के हिसाब से अच्छी है, बट मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं कि मतलब कंपटीशन में मतलब एकदम आगे निकल जाए, ऐसा नहीं है, बट हाँ कंपटीशन में ये रह सकता है, ऐसा है। तो जैसा कि आपको मैं एक दो मतलब यहाँ पे म्यूज़िक और भी सुना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता लग जाए, थोड़ा मतलब बेस वाला या मतलब ऐसा थोड़ा सुना देता हूँ। तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पे दिखा दिया है कैसा है। तो आप इसको ईयरफोन लगा के यहाँ पे एक बार सुनिएगा तो आपको अच्छे से पता लगेगा इसका साउंड क्वालिटी। और अगर मैं आपको अपने माइक से सुना रहा हूँ तो हो सके उतना अच्छे से ना समझ में आया हो, बट मैं अगर अपना रिव्यू दूँ तो मुझे इसमें बेस तो काफ़ी अच्छा लगा, बट इसमें जो मेन साउंड है वो थोड़ा सा कम लगा बेस के हिसाब से। उसमें जो है इन्होंने मतलब एकदम बेस और मतलब जो इनका साउंड क्वालिटी सेट नहीं कर पाया अच्छे से, बट हाँ ठीक है 5000 के हिसाब से। और इसमें थोड़ा सा जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था फीचर्स थोड़ा एक दो कम है, तो वो सारा चीज़ बाकी सारा चीज़ मुझे सही लगा। और ये एक इंडियन ब्रांड है तो आप इसको एक बार सपोर्ट करिए, आपको और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट धीरे धीरे ला के देंगे ये लोग। बट हाँ ठीक है, ये आप इसको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।